बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। जादू का तोड़ सिर्फ एक कुरानी आयत से, सफ़ेद कपड़े पर लिख कर पारसर के सदियों पुराना जादू जड़ से ख़त्म हो जाएगा। जादू के डसे हुए बहुत सारे लोगों का रब्ता होता है और ऐसे मैंने लोग देखे हैं, अपनी आँखों से देखे हैं, और जब वो बतलाते हैं अपने हालात और जो इस वक्त वो होते हैं, यकीन माने कि उस टाइम यकीन नहीं आ रहा होता बंदे को। अब एक बंदा वो कह रहा हो कहता है कि मेरे पास इतनी ज़मीनें, जायदाद, गाड़ियाँ थी, बंगले थे, पैसे की रेल पेज थी, सब कुछ था। और फिर अगर ये वो किया है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ ऊबर क्रीम करा कर, ड्राइव करा कर, तो इंसान को समझ में आती है जो बंदा पैदा ही होते ही पहाड़ों में और इन चीज़ों में घूमने वाले हों और फिर वो इस तक आ जाए कि सब कुछ उनके पास से ख़त्म हो जाए, तो इंसान को उस टाइम यकीन नहीं आता कि मतलब मुझे पता है उस बंदे ने एक अपनी रवादात सुनाई है, लेकिन वो इतने हालात उनके और ख़ास कर जादू करके कर दिए जाते हैं कि इंसान को उस पर यकीन है। लेकिन यकीन करना ज़रूरी है क्योंकि ये एक पॉसिबल चीज़ है और ये एक हकीकत है कि लोग जादू करके, तावीज़ात करके बिल्कुल सड़क पर लेके आते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमें कई लोगों ने कहा ये बात कि देखना हम तुम्हारे साथ क्या आशर करते हैं, वापस तुम्हें ज़मीन पे लेके आए, कहते कुछ अरसे बाद हम ज़मीन पे आ जाते हैं। तो ये जादू के असरात अगर आप पे हैं और आपके भी ऐसे हालात हुए हैं और आप परेशान हैं, हर किस्म से ख़त्म भी करवाते हो फिर कर देते हैं, ऐसा झगड़ा हुआ होता है, आप कहीं से अमल करवाते हो वो फिर आपको पकड़ लेते हैं, ठीक है, और आपको इससे उठने नहीं देते हैं। तो इस अमल को कीजिए, सिर्फ सफ़ेद कपड़ा लेना है, बिल्कुल पाक नया हो, और उसके ऊपर आपने लाल स्याही से, ज़ाफ़रान से लिख सकते हैं, लिखें लाल स्याही से आपने कुरान पाक की आयत लिखनी है। लिखने के बाद उसको चमड़े में लपेट कर अपने गले में बांध लेना है। उसके बाद आपने रोज़ाना फजर के बाद और मगरब के बाद सिर्फ और सिर्फ 111 मरतबा ये कुरान पाक की आयतें पढ़नी है। ख़वातीन जिन दिनों में नमाज नहीं पढ़नी छोड़ दें, बाकी दिनों में पढ़ते हैं मदरसा, कुछ अरसा लगातार करते रहें, इंशाल्लाह जादू जड़ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कौन सी कुरान आयत है बताने लगूँ, आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा, ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुरान पाक की सूरत है सूरतुत्तगाबुन, ठीक है, और ये सूरत आपने पढ़नी है, और इस सूरत की जो फर्स्ट आयत है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसब्बिहुलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्स लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये लिख कर गले में लटका लें, और दूसरा आप फजर और मगरब के बाद 111 एक मरतबा पढ़ के पानी पे दम करें, खुद पिए, घर वालों को पिलाएं, कुछ अरसा करें, इंशाल्लाह हर किस्म का काला पीला नीला जो भी जादू है जड़ से ख़त्म हो जाएगा, और इंशाल्लाह बतदरीज हालात आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, और वो हालात बेहतर होते आपको अपनी आंखों से भी नज़र आएंगे। ज़रूर अमल कीजिएगा, फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।